और सब यूट्यूब वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज के वाली इस वीडियो में हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो माइनक्राफ्ट की हमने पिछले वाली वीडियो में हमने माइनिंग पे गए थे, डायमंड माइनिंग पे। उस पर तो हमको ज़्यादा कुछ डायमंड नहीं मिला। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं अपना हाउस के लिए एक जगह क्लीन कर काफ़ी अच्छा हाउस हम अगले पार्ट में बनाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ अपना जगह डिसाइड कर उसको पूरा क्लीन करेंगे और अगले पार्ट में हम नया अपना जो बेस है वो बनाएंगे। तो ये माउंटेन अच्छा लग रहा था, इसको फटाफट से 80 लेवल पर इसको जो इसकी साइज अभी देख लेते हैं कितने 80 लेवल तक इसको हटाएंगे। तो अभी साइज इसकी देख लेते हैं, ये है। अब फिर थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो चालू करने से पहले थोड़ा सा ऊपर से साफ कर लिया था, यहाँ पर 89 है तो हमको सिंपली 9 ब्लॉक हटाने पड़ेंगे। तो फटाफट से इसको हटाना चालू करते हैं और वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऊपर से यहाँ से डर्ट को हटाते हैं और फिर उसके बाद हम यहाँ पर इसको स्टोन को हटाएंगे। तो फटाफट से यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी शवल टूट चुकी है। तो फटाफट से चलते हैं अपने आयरन फार्म पर और अपना आयरन लेकर और काफ़ी सारे शवल बना लेते हैं और इस सारे डर्ट को हटाने के बाद हम स्टोन माइन करेंगे। तो फटाफट से चलते हैं अपने आयरन फार्म पर। ऊपर आ चुके हैं अपने आयरन फार्म पर और ऊपर चलते हैं और फटाफट से सारे आयरन को कलेक्ट कर लेते हैं और अपना आयरन फार्म को या आयरन के जो भी टूल्स है वो सारे बनाकर यहाँ पर हम फटाफट से बना लेते हैं। यहाँ पर जो भी डर्ट है वर्ट है वो सारी अंदर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर प्लेस कर दिया है तो यहाँ पर बना लेते हैं फटाफट से। तो हम यहाँ पर शॉल देख लेते हैं, तो ये रही शॉल। तो हमारे पास स्टिक नहीं है तो फटाफट से स्टिक बना लेते हैं और देख लेते हैं तो कितनी स्टिक बनेगी। तो यहाँ पर हमने स्टिक बना ली है, यहाँ पर देख लेते हैं 4, तो काफ़ी सारी स्टिक बना ली हमने और फटाफट से अपनी शॉल भी बना लेते हैं और देख लेते हैं। तो हमारी इन्वेंटरी में जगह तो नहीं है तो फटाफट से कलेक्ट कर लेते हैं और फटाफट से चलते हैं अपनी लोकेशन पर। वहाँ पर तो यहाँ पर लोकेशन पर आ चुके हैं और फटाफट से इस डर्ट को रिमूव करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमको कितने लेवल तक लेना है, तो यहाँ पर 80 लेवल अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर इतनी सारी मैंने डर्ट माइन कर ली थी पहले ही वीडियो शुरू करने से पहले, फिर मेरे दिमाग में आया की वीडियो बना लेनी चाहिए। तो यहाँ से फटाफट से इसको यहाँ से और माइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारी डर्ट मैंने रिमूव कर दिया, सिर्फ स्टोन और बाकी रह गए हैं और यहाँ पर थोड़ी सी और डर्ट है। तो फटाफट से इसको भी क्लीन करना स्टार्ट कर लेते हैं और स्टोन जो भी है मैं इन सबको हटाना स्टार्ट करते हैं और काफ़ी टाइम लगने वाला है तो फटाफट से इसको हटाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो इतनी सारी डर्ट मैंने यहाँ पर कलेक्ट कर ली है और मेरे चेस्ट में भी और मेरे इस इन्वेंट्री में भी काफ़ी सारी डर्ट थी। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो, तो यहाँ पर मैंने सारी डर्ट को चेस्ट में डाल दिया है और फटाफट से जो भी बची हुई डर्ट है उसको भी हटाना शुरू करते हैं और ये जो अपना स्टोन है इसको भी हटाना शुरू करते हैं। तो बिना देरी के आप इसको आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर हमने सब स्टोन और डर्ट को हटा लिया है अपने और जो भी ये नीचे की बची हुई स्टोन इसको यहाँ से रिमूव करके यहाँ पर डर्ट लगाना स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से यहाँ पर इसको रिमूव करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो इतना सारा स्टोन हमारे इस इन्वेंट्री में कलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ से इसको भी हटाना शुरू करते हैं और जो भी अपने पिकेक्स है वो भी बना लेते हैं क्योंकि हमारी सारी पिकेक्स उसमें ही टूट चुकी है। तो यहाँ से फटाफट क्राफ्टिंग टेबल पर चलते हैं और यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमको 2-3 पिकेक्स बना लेते हैं ताकि बाद में बार बार हमको बनाना नहीं पड़े। यहाँ पर कहाँ पर ये पिकेक्स 3 बन सकती है तो देखते हैं कि। तो यहाँ पर हमने 2 पिकेक्स बना दिए और एक शॉवल भी बना दिए और यहाँ पर क्योंकि ग्रेवल भी है तो इसको हटाने में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा सब चीज़ हो चुकी है तो फटाफट से इसको हटाना शुरू करते हैं। यहाँ पर लगभग हमने सारे स्टोन को हटा दिया है और जो भी बचे कुछ जगह है इसमें हम डर्ट को फिल कर लेते हैं फटाफट से बिना देरी के इसमें सारी डर्ट को फिल कर लेते हैं।
तो यहाँ पर हमने सारी डर्ट को फिल कर लिया है, तो फटाफट से चलते हैं। और तो यहाँ पर मैंने जो भी स्टोन अपने माइन किया था उसको स्मेल्टिंग करने के लिए डाल दिया था, ताकि उससे हम ब्लॉक बना सकें। जो भी अपने जो स्टोन ब्लॉक होते हैं ना, तो आपने टेक्नोगेमर्स के कार्सल में लगे हुए देखे होंगे, उसको क्या बोलते हैं, जो ब्रिक टाइप दिखते हैं थोड़े से, तो वो वाले पत्थर बनाने होंगे। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे स्मेल्टिंग करने के लिए डाल रखे हैं, तो इससे हम अगली वाली वीडियो में हम अपना हाउस बनाने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो हमको कार्सल बनाना है, हम ये इस जो ये अपने होते हैं वुड वुड से, इससे नहीं बनाने वाले हैं। तो वुड वुड तो कलेक्ट कर लेंगे, थोड़ी डेकोरेशन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो गाइस यहाँ पर हमारे सब काम हो चुका है। तो गाइस कैसी लगी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में इस गेम प्ले सीरीज़ के साथ। तो गाइस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।